हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। लास्ट टाइम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में हमने इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को स्टडी किया था, ठीक है, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को। और मैंने बताया था कि स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड जो पोटेंशियल होता है वो किसी भी सेल का वो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है जिसको हम किसी भी पर्टिकुलर कंसेंट्रेशन के ऊपर 1 मोलर होनी चाहिए। 1 मोलर कंसेंट्रेशन पे अगर हम मेजर करते हैं एट 298 केल्विन टेम्परेचर, तो वो जो आपके पास ईएमएफ या इलेक्ट्रोड पोटेंशियल आएगा दैट इज नोन एज अ स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। और उसको मैंने ई नॉट ऑफ सेल से रिप्रेजेंट किया था, ठीक है। लेकिन सपोज कीजिए कि आपकी सॉल्यूशन की जो कंसंट्रेशन है, सेल की कंसंट्रेशन है, वो 1 मोलर नहीं है, 1 मोलर से कम है या ज्यादा है। तो अगर आप कंसंट्रेशन को चेंज कर देते हो तो चेंज करने से 1 मोलर तो रही नहीं, इसका मतलब वो जो ईएमएफ आपके पास आप कैलकुलेट करोगे दैट विल नॉट बी स्टैंडर्ड ईएमएफ या स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल नहीं है। तो अगर आप कंसंट्रेशन चेंज कर देते हो तो ईएमएफ पे क्या चेंज फर्क पड़ेगा, क्या उसका असर पड़ेगा, वो आज हम करेंगे। सो लेट अस स्टार्ट द न्यू कॉन्सेप्ट दैट इज अनन्स्ट इक्वेशन। ये इक्वेशन एक आपको एक क्राइटेरिया बताती है कि आप किस तरह से कंसंट्रेशन में चेंज होने से किसी सेल का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है। सो लेट अस स्टार्ट नन्स्ट इक्वेशन, दैट इज नन्स्ट इक्वेशन। आपने स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल डिस्कस किया था और उसको मैंने रिप्रेजेंट किया था ई नॉट ऑफ सेल से, ठीक है, ई नॉट ऑफ सेल। और ये जो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है इट इज फॉर द 1 मोलर सोल्यूशन। लेकिन अगर आपकी सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन चेंज कर जाती है तो उसकी जो ईएमएफ आएगी दैट विल बी नोन एज ई ऑफ सेल, ई नॉट नहीं बोलेंगे उसको, और उसकी वैल्यू कितनी आएगी दैट विल बी इक्वल टू ई नॉट ऑफ सेल स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल माइनस आर टी बाय एन एफ नेचुरल लॉग ऑफ क्यू सी। क्या बोला मैंने, दिस इज द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल एट एनी कंसंट्रेशन एंड दिस इज द स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल एट 1 मोलर कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। आर आर इज द आइडियल गैस कांस्टेंट हैविंग वैल्यू आर इज इक्वल टू 8.321 जूल पर केल्विन पर मोल, ठीक है, ये आप लेते हो। टेम्परेचर, टेम्परेचर आप लोगे 298। एफ आपको पता है फैराडे कॉन्स्टेंट 96500 कूलम पर मोल, ठीक है। तो ये सारी वैल्यूज आपको पता है एंड दीज आर द कॉन्स्टेंट। ये एन क्या है, व्हाट इज एन, एन एन है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ रिएक्शन। एंड व्हाट इज क्यूसी, क्यूसी क्या है, आपने इक्विलिब्रियम चैप्टर पढ़ा है प्लस वन में और वहां पर आप इक्विलिब्रियम कॉन्स्टेंट को डिस्कस करते हो और उस इक्विलिब्रियम कॉन्स्टेंट को आप केसी से रिप्रेजेंट करते हो और वो इक्विलिब्रियम कॉन्स्टेंट क्या होता है, इट इज इक्वल्स टू द कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एट ए टाइम ऑफ इक्विलिब्रियम, ठीक है। जब आपके पास रिएक्शन में इक्विलिब्रियम अचीव हो जाएगी उस समय पे जब आप इक्विलिब्रियम कॉन्स्टेंट कैलकुलेट करेंगे उसको हम केसी से रिप्रेजेंट करते हैं एंड इट इज इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। लेकिन अगर आप उसी रिएक्शन में किसी भी रिएक्शन कांस्टेंट की वैल्यू फाइंड आउट करो एट एनी टाइम अदर देन दैट ऑफ द इक्विलिब्रियम टाइम, अगर इक्विलिब्रियम टाइम को छोड़ करके किसी भी और समय पे आप कांस्टेंट की वैल्यू फाइंड आउट करो रिएक्शन कांस्टेंट की, तो उसको हम इक्विलिब्रियम क्विशेंट कहते हैं, क्यूसी, इट इज नोन एज इक्विलिब्रियम क्विशेंट, ठीक है, इक्विलिब्रियम क्वेश्चेंट। इक्विलिब्रियम क्वेश्चेंट क्या है, इट इज एक्चुअल द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एट एनी टाइम अदर देन दैट ऑफ द इक्विलिब्रियम टाइम, इक्विलिब्रियम को छोड़ करके किसी और समय पे जो उस रिएक्शन का कांस्टेंट आएगा, रेट कांस्टेंट आएगा, दैट इज नोन एज क्यूसी, इक्विलिब्रियम क्वेश्चेंट। और ये इक्विलिब्रियम जो क्वेश्चेंट होता है क्यूसी, उसकी वैल्यू भी किसकी इक्वल आएगी, दैट इज कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एट अदर टाइम देन दैट ऑफ द इक्विलिब्रियम, ठीक है। अगर जैसे मैं आपको एक इक्वेशन से रिप्रेजेंट करके बताता हूं कि कैसे आप किसी भी सेल का इन सेल निकाल सकते हैं। देखो जैसे मैंने आपके पास बोला Zn,
टू प्लस है और दो इलेक्ट्रॉन ले रहा और कन्वर्ट हो रहा है Zn के अंदर, एंड दिस इज योर सॉलिड एंड दिस इज प्रेजेंट इन द एक्वस सॉल्यूशन, ठीक है। तो जिंक का जो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल है, ये प्रोसेस रिडक्शन में हो रही है, तो जिंक का जो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल होता है वो आपको बताया इट इज -0.76 वोल्ट। लेकिन वो जो स्टैंडर्ड है वो कौन सी वैल्यू आएगी, दिस इनोड सेल आएगी। पर अगर मैं कंसंट्रेशन चेंज कर देता हूं, वन मोलर के अलावा कोई और कंसंट्रेशन लेता हूं और उस पे मैं ईएमएफ फाइंड आउट करूंगा, दैट विल बी ई सेल, और वो ई सेल कितनी आएगी, ई नॉट ऑफ सेल दैट इज -0.76 वोल्ट, ठीक है। आर टी एन एफ एन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर, जैसे इस प्रोसेस में दो इलेक्ट्रॉन गेन किए हैं, ठीक है, दो इलेक्ट्रॉन गेन किए हैं तो एन की वैल्यू कितनी आएगी, टू। तो हम कैलकुलेट करते हैं इस रिएक्शन के लिए ई सेल नष्ट इक्वेशन क्या बनेगी, देखो, सो ई जेड एन टू प्लस अपॉन जेड एन इज इक्वल टू व्हाट, ई नॉट ऑफ सेल, ई नॉट ऑफ सेल माइनस आर टी बाय एन एफ, दिस इज एन एल एन नेचुरल लॉग क्यू सी, प्रोडक्ट अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। अब देखो अगर मैं इस नेचुरल लॉग को लॉग में कन्वर्ट करता हूं तो वैल्यू क्या आएगी, इट इज इक्वल टू ई नॉट ऑफ सेल माइनस 2.303 आर टी बाय एन एफ लॉग कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ व्हाट, रिएक्टेंट, या फिर मैं बोलूं क्यूसी, डायरेक्ट क्यूसी। अब देखो ये आपके पास कॉन्स्टेंट है, आर की वैल्यू आप जानते हो कॉन्स्टेंट होती है टेम्परेचर 298 केल्विन, एफ फैराडेस कॉन्स्टेंट 96500, तो ये जो पूरी की पूरी आपके पास टर्म बच गई दिस इज ए कॉन्स्टेंट वैल्यू, और इसका अगर आप सॉल्यूशन करोगे तो ये किसके इक्वल आएगी, इट कम्स आउट टू बी 0.0591 इसके इक्वल आएगी। और मैं इसको यहां पुट आउट करूं तो देखो आंसर क्या आएगा, दैट इज ई नॉट ऑफ सेल माइनस 0.0591 अपॉन एन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर या चार्ज ट्रांसफर, वो हर एक रिएक्शन का अलग अलग होता है, एंड दिस इज लॉग क्यू सी आप लिख सकते हो, या फिर कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ व्हाट, रिएक्टेंट, सिंपल, ठीक है। जैसे पहले वाली जो रिएक्शन मैंने की थी जिंक की, उसके लिए हम ई सेल कैलकुलेट करते हैं, नष्ट इक्वेशन निकालते हैं। जैसे मैं बोलू Zn2 प्लस कन्वर्ट हुआ दो इलेक्ट्रॉन लेकर के किसमें, जिंक में, दिस इज सॉलिड एंड दिस इज योर एक्वस कंडीशन, तो उसके लिए ई सेल की वैल्यू क्या आएगी, ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट ऑफ सेल, ई नॉट ऑफ सेल माइनस 0.0591 अपॉन एन, नंबर कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुए हैं, दो, सो इट इज टू एंड इट इज लॉग कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, प्रोडक्ट कौन है, जिंक सॉलिड स्टेट में, सो जिंक इन द सॉलिड स्टेट लाइक दिस, सॉलिड स्टेट अपॉन जिंक इन द एक्वस कंडीशन, Zn 2 प्लस इन एक्वस कंडीशन लाइक दिस। लेकिन अगर आप देखिए, अगर आप कंसंट्रेशन टर्म का इस्तेमाल करते हो तो वो जो कंसंट्रेशन टर्म होती है इट इज ओनली फॉर द सॉल्यूशन, यहां पर जो जिंक है ये सॉलिड स्टेट में है, किसी सॉल्यूशन में नहीं, और जो चीज सॉलिड होती है उसके लिए हम कंसंट्रेशन को यूनिटी वन लेकर के चलते हैं। तो अगर आप जिंक सॉलिड की कंसंट्रेशन को काउंट करोगे इट कम्स आउट टू बी इक्वल टू वन, और इसकी वैल्यू अगर आप पुट आउट करो इस इक्वेशन में तो देखो क्या आंसर आएगा, क्या आपके पास आंसर आएगा, सो ई ऑफ सेल फॉर द जिंक इज इक्वल टू ई नॉट ऑफ सेल माइनस 0.0591 अपॉन 2 लॉग, ये तो 1 हो गया, अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ जिंक एक्वस, ठीक है, कंसंट्रेशन ऑफ जिंक, ये नीचे आ जाएगा। अगर आप कॉपर के लिए निकालना चाहेंगे लाइक Cu2 प्लस है एक्वस कंडीशन में, दो इलेक्ट्रॉन का एडिशन हुआ कन्वर्ट हो गया कॉपर सॉलिड में, तो जो प्रोडक्ट है वो ऊपर आएगा, कॉपर ऊपर आएगा, Cu2 प्लस कहां आएगा, नीचे, लेकिन कॉपर की कंसंट्रेशन कितनी हो जाएगी, 1 सॉलिड स्टेट में, उसकी कंसंट्रेशन हमें यूनिटी लेके चलनी है, और नीचे कौन आ जाएगा, कॉपर आ जाएगा। तो कोई भी अगर आपके पास इक्वेशन हो, लाइक मैं कॉमन लेता हूं कोई मेटल है और उस मेटल के ऊपर आपके पास चार्ज लगा हुआ है प्लस एन, और वो एन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को गेन कर रहा है, और जब गेन करेगा तो क्या बनाएगा,
एम बनाएगा, सॉलिड स्टेट में बनाएगा एंड दिस इज प्रेजेंट इन द एक्वस, तो आपके पास जर्नल जो नेस्ट इक्वेशन आएगी किसी भी मेटल के लिए वो कितनी आएगी, दैट इज फॉर सेल इज इक्वल टू E नॉट ऑफ सेल, स्टैंडर्ड है ये, स्टैंडर्ड वाली है, माइनस 0.0591 अपॉन n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर, इसमें मैंने n लिए सो इट इज n log 1 अपॉन कंसंट्रेशन, किसकी कंसंट्रेशन लेनी है, एम एन प्लस, कितने एम एन प्लस है, ऊपर m को नहीं लिखोगे क्योंकि वो सॉलिड स्टेट में प्रेजेंट है, बात समझ में आ रही है, तो ये जो इक्वेशन है दिस रिप्रेजेंट द नेस्ट इक्वेशन। जैसे देखो मैं आपको एक सेल कराया था मैंने, जिसको मैंने डेनियल सेल का नाम दिया था, दैट इज द सेल ऑफ जिंक एंड कॉपर, तो अगर आप उसके लिए कैलकुलेट करना चाहोगे तो कैसे कैलकुलेट करोगे, तो जिंक सेल मैंने आपको बनाया था तो उसमें क्या क्या था, देखो पहले साल्ट ब्रिज था और उस साल्ट ब्रिज के लेफ्ट हैंड साइड में क्या होती है ऑक्सीडेशन, दैट इज जेड एन, किस में जाता है, जेड एन 2 प्लस आयन में, दिस इज एक्वा स्टेट एंड दिस साइड इज नोन एज लेफ्ट हैंड साइड एनोडिक, एनोडिक हाफ सेल भी बोलते हैं इसको, ठीक है, ऑक्सीडेशन भी यहां पर होती है तो इसको बोलते हैं ऑक्सीडेशन हाफ सेल। यहां पर जो राइट हैंड साइड है यहां पर हम किसको लेते हैं, कैथोड को, रिडक्शन होती है, लाइक सपोज कीजिए जिंक है तो किसमें करेंगे हम, जिंक कॉपर लीजिए, दैट इज कॉपर 2 प्लस कन्वर्ट हो गया किसमें, कॉपर में, एंड दिस इज प्रेजेंट इन द एक्वा स्टेट और ये सॉलिड में है, तो जो इसकी जर्नल इक्वेशन बनेगी वो क्या बनेगी, देखो आपको पहले ये देखना है लेफ्ट हैंड साइड में कौन है, एनोड, तो एनोड की रिएक्शन क्या होगी, जेड एन कन्वर्ट हो रहा है किसमें, जेड एन 2 प्लस में बाय द लॉस ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, यहां पर देखो ये जो 2 इलेक्ट्रॉन जिंक ने लॉस किए ये कॉपर ले रहा है, कौन ले रहा है, कॉपर, सो व्हाट विल बी द इक्वेशन, कॉपर ले रहा है Cu2 प्लस और कन्वर्ट हो रहा है किसमें, कॉपर में, और कौन क्या ले रहा है, ये 2 इलेक्ट्रॉन, अगर मैं इन दोनों को जोड़ करके टोटल जो सेल की रिएक्शन आएगी वो बनाऊं तो क्या रिएक्शन बनेगी, देखो ये कैंसिल हो गया, व्हाट विल बी द रिएक्शन, सो इट इज Zn प्लस Cu2 प्लस, कॉपर का क्या हो जाएगा ऑक्सीडेशन, किसमें कन्वर्ट हो रहा है, Zn2+ में, और जिंक का क्या हो रहा है ऑक्सीडेशन, Zn2+ में कन्वर्ट हो रहा है, और कॉपर का क्या हो रहा है रिडक्शन, Cu2+ से कॉपर में कन्वर्ट हो रहा है सॉलिड स्टेट। अगर आप इस इक्वेशन के लिए नेस्ट इक्वेशन ड्राइव करेंगे और कैसे आप नेस्ट इक्वेशन लिखेंगे तो वो देखो क्या आंसर आएगा, देखो सो ई फॉर द सेल इज इक्वल टू ई नॉट ऑफ सेल माइनस 0.0591 अपॉन एन, कितने इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो रहा है, देखो इसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स का, लॉग कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, कौन कौन से प्रोडक्ट हैं, दिस एंड दिस, सो कंसंट्रेशन ऑफ जिंक 2 प्लस आयन, कंसंट्रेशन ऑफ कॉपर सॉलिड स्टेट में है, अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ जिंक अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ कॉपर 2 प्लस आयन, पर ये जो कॉपर सॉलिड स्टेट में है इसकी कंसंट्रेशन कैंसिल हो जाएगी, यूनिटी आएगी 1, जिंक की कंसेंट्रेशन यूनिटी आएगी, तो मैं यहां से इनको एलिमिनेट कर देता हूं लाइक दिस, इसको मैं यहां से रिमूव कर देता हूं, तो आपके पास जो रिजल्टेंट जो सॉल्यूशन आएगा वो क्या आएगा, जो क्यूसी की वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, ऊपर कौन आएगा जिंक 2 प्लस आयन, नीचे कौन आएगा कॉपर 2 प्लस आयन, और जो जिंक 2 प्लस आयन है वो कहां पर है, लेफ्ट हैंड साइड में, इसका मतलब ऑक्सीडेशन साइड में, और जो कॉपर है वो कौन है, रिडक्शन साइड में, तो अगर आप इसको जर्नल टर्म में एक्सप्रेस करना चाहो तो इस जर्नल टर्म को आप कुछ इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हो, किसी भी सेल के लिए आप फिर ई सेल कैलकुलेट कर सकते हो, जैसे देखो क्या आएगा, ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट ऑफ सेल माइनस 0.0591 अपॉन एन लॉग जिंक, जिंक का क्या हुआ था ऑक्सीडेशन, सो दिस इज कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीडेशन हाफ सेल अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ रिडक्शन हाफ सेल, ठीक है, क्योंकि कॉपर का क्या हो रहा है रिडक्शन, तो रिडक्शन हाफ सेल को नीचे रखोगे, ऑक्सीडेशन हाफ सेल को ऊपर रखोगे, या फिर ऑक्सीडेशन कहां हो रहा था लेफ्ट हैंड साइड में, तो हम क्या बोल सकते हैं इसको, लॉग कंसंट्रेशन ऑफ लेफ्ट हैंड साइड अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ
राइट हैंड साइड, तो अगर आप इसको एक और टर्म में रिप्रेजेंट करो तो वो कैसे लिख सकते हो, देखो ई ऑफ सेल इज इक्वल टू ई नॉट ऑफ सेल माइनस 0.0591 अपॉन एन लॉग। ऑक्सीडेशन ऑफ सेल कहां हुआ था, लेफ्ट हैंड साइड में, सो द कंसंट्रेशन ऑफ लेफ्ट हैंड साइड अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ राइट हैंड साइड, ठीक है। तो अगर आपको ये नहीं पता कि किसकी ऑक्सीडेशन किसकी रिडक्शन हो रही है, तो आप लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को भी देख सकते हैं। ऑक्सीडेशन और रिडक्शन आपको नहीं पता तो रिएक्शन में ये तो पता है कि प्रोडक्ट कौन सा होगा, रिएक्टेंट कौन सा होगा, तो आप प्रोडक्ट के ऊपर लिखोगे, रिएक्टेंट के नीचे लिखोगे, इससे भी आप कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। मैं आपको ग्राफ के जरिए रिप्रेजेंट कराता हूं कि ग्राफ कैसे बन सकता है इनका। ग्राफ देखो ई ऑफ सेल, तो मैंने आप अगर आपको जर्नल इक्वेशन क्या कराई है कि ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट ऑफ सेल माइनस 0.059 अपॉन एन, दिस इज लॉग क्यूसी, क्यूसी और क्यूसी की वैल्यू क्या क्या हो सकती है, ये देखो क्यूसी की वैल्यू अभी बताइए, क्यूसी की वैल्यू किसकी इक्वल हो सकती है, क्यूसी इज इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, या फिर इक्वल्स टू कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीडेशन हाफ सेल माइनस कंसंट्रेशन ऑफ रिडक्शन हाफ सेल, या फिर किसके इक्वल कंसंट्रेशन ऑफ लेफ्ट हैंड साइड माइनस कंसंट्रेशन ऑफ राइट हैंड साइड, ये आपके पास जनरल इक्वेशन है। और अगर आप किसी भी Mn आयन का रिडक्शन कराते हैं, सपोज कीजिए आपके पास Mn है और वो पॉजिटिव स्टेट में है, तो n इलेक्ट्रॉन्स लेगा और कन्वर्ट होगा किसमें, M में कन्वर्ट हो गया वो, तो Mn की कंसंट्रेशन कहां आएगी, उसके लिए QC की वैल्यू क्या आ जाएगी, QC इक्वल्स टू 1 अपॉन प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन, तो यूनिटी लोगे, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन दैट इज M N प्लस आयन, ठीक है। तो ये जो जनरल एक्सप्रेशन हो गई E ऑफ सेल इज इक्वल टू E नॉट ऑफ सेल माइनस 0.0591 अपॉन N log and it is 1 upon concentration of Mn plus ion, कितने भी आयन हो सकते हैं, लाइक Mn plus ion। ये जो ग्राफ में अगर आप बनाऊंगा, ये ग्राफ आपके सीबीएसई में तो नहीं पूछा जाता पर कॉम्पिटेटिव एग्जाम में आपसे पूछ लेता है। जैसे देखो कैसे ग्राफ बनेगा, अगर आप इस एक्स एक्सिस में एंड दिस इज द वाई एक्सिस, वाई एक्सिस में आपको ई सेल दिया जाए और इस एक्सिस में एक्स एक्सिस में अगर आपको टर्म दी जाए लॉग ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ किसकी, एम एन प्लस आइन, तो अगर आप कैसे रिप्रेजेंट करोगे, देखो लॉग ऑफ एम एन प्लस आइन, अगर आपके पास ये टर्म बढ़ेगी तो ये पूरी वैल्यू क्या होगी, इंक्रीज बढ़ेगी, और ये बढ़ेगी तो यू नो ई सेल क्या करेगा, डिक्रीज। तो अगर मैं इस पॉइंट को E नॉट ऑफ सेल रिप्रेजेंट करूं तो ग्राफ कुछ ऐसे आएगा लाइक दिस, ठीक है। तो ये आपके पास क्या हो गया, दिस इज द इंटरसेप्ट E नॉट ऑफ सेल, तो ये वैल्यू है, दिस इज द E नॉट ऑफ सेल विच इज द इंटरसेप्ट, स्लोप क्या आएगा, दिस इज द स्लोप, और नेगेटिव में है तो स्लोप क्या आएगा, स्लोप विल बी स्लोप माइनस 0.0591 अपॉन क्या आएगा, एन, दिस इज द स्लोप। तो अगर आपको लॉग 1 अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ एम एन का ग्राफ दिया जाए तो आप ये बनाओगे, अगर आपके पास एम एन ना दे करके क्यूसी का ग्राफ दे दे लॉग क्यूसी, और यहां अगर आपके पास क्या दे देखो दिस इज द ई सेल, ठीक है, ई सेल एंड दिस इज लॉग क्यूसी, तो दिस इज द टर्म क्यूसी, ये बढ़ेगा तो इसकी वैल्यू बढ़ेगी, टोटल इसकी वैल्यू बढ़ेगी तो ई सेल क्या होगा, कम, तो ये भी ग्राफ कैसे आएगा, ऐसे ही आएगा। ये क्या है, इंटरसेप्ट, इसकी वैल्यू क्या आएगी, ई नॉट ऑफ सेल, और इसका स्लोप क्या आएगा, 0.0591 अपॉन एन एंड दिस इज माइनस, नीचे की डायरेक्शन में जा रहा है, नेगेटिव स्लोप आएगा। तो ये आपके पास जर्नल एक्सप्रेशन है नस्ट इक्वेशन की, जो मैंने आपको बताई कि अगर आपको कोई सेल दिया हुआ है और उसकी कंसंट्रेशन 1 मोलर नहीं है, कुछ और कंसंट्रेशन है, तो उस किसी दूसरी कंसंट्रेशन पे अगर आप कैसे किसी सब्सटेंस का इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल कैलकुलेट कर सकते हो, तो क्या लिखा मैंने नस्ट इक्वेशन में, ई ऑफ सेल इज इक्वल टू ई नॉट ऑफ सेल माइनस 0.0591 अपॉन एन लॉग कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट।
अगर आपको प्रोडक्ट रिएक्टेंट की टर्म में नहीं लिखना तो क्या आएगा, लॉग ऑक्सीडेशन हाफ सेल अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ रिडक्शन हाफ सेल, सिंपल। कभी कभी क्वेश्चन में आपको जब एग्जांपल दिया जाएगा या क्वेश्चन दिया जाएगा, जैसे मैं एक क्वेश्चन लिखता हूं, मैंने लिखा Zn है मेरे पास जिंक और ये कन्वर्ट हो रहा है Zn2+ में और इसी कंसंट्रेशन दी हुई है 0.1 मोलर साल्ट ब्रिज लाइक दिस, और उसके बाद कॉपर की कंसंट्रेशन 2+ में आकर आपको दी हुई है 0.01, फिर आपको पास डैस दिया मिलेगा एंड दिस इज कॉपर, ठीक है। कैसे वैल्यू पुट आउट करोगे, कैसे वैल्यू पुट आउट करोगे वो देखो, आपके पास E नॉट ऑफ सेल भी कैलकुलेट करना आएगा। कैसे, जिंक का आपको रिडक्शन पोटेंशियल दिया होगा, ये मैंने आपको पहले भी कराया हुआ है, जिंक का जो रिडक्शन पोटेंशियल है इट इज -0.76 वोल्ट। कॉपर का रिडक्शन पोटेंशियल, कॉपर का रिडक्शन पोटेंशियल भी आपको दिया हुआ क्वेश्चन में दिया हुआ मिलेगा +0.34 वोल्ट। इससे जो आप निकालोगे सोल्व करके, मैंने आपको बताया था हायर माइनस लोअर कर दो, तो हायर कौन सा है दिस वन, माइनस लोअर ये वाला माइनस करो तो आंसर कितना आएगा, दिस E नॉट ऑफ सेल कितना आएगा देखो 0.34 एंड माइनस माइनस दोनों क्या हो जाएंगे +0.76 और जो आंसर आएगा इट इज 1.10 वोल्ट, पॉजिटिव वैल्यू आएगी। तो ये जो E नॉट ऑफ सेल है ये आपके पास 1.10 आया है, तो इसकी जगह के ऊपर आप ये वाली वैल्यू रखो, देखो क्या आएगा, E ऑफ सेल इज इक्वल टू 1.10 माइनस कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहे हैं, दो, 0.0591 अपॉन कितने इलेक्ट्रॉन, दो लॉग। अब इस पूरे के पूरे सेल को आपको रिएक्शन की टर्म में लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैंने बोला प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट, प्रोडक्ट अगर आप रिएक्टेंट की टर्म में लिखोगे तो भी आप इसको सोल्व कर सकते हो। कैसे, वो आपको इक्वेशन पता है कि जो जिंक है वो कॉपर 2+ को अपने दो इलेक्ट्रॉन दे रहा है और Zn2+ में कन्वर्ट होकर के, और किस में कन्वर्ट हो रहा है, कॉपर में, ठीक है। लेकिन अगर आप इस रिएक्शन को भी ना लिखो तो यहां से आप कैलकुलेट कर सकते हो क्या, ऑक्सीडेशन अपॉन रिडक्शन, ऑक्सीडेशन कहां हो रहा है, यहां पर लेफ्ट हैंड साइड में, सो लेफ्ट हैंड साइड में जिंक है और जिंक की कंसंट्रेशन कितनी है 0.1, तो यहां पर कितना आंसर आएगा देखो 0.1 कॉपर, राइट हैंड साइड में है रिडक्शन हो रहा है, नीचे कंसंट्रेशन ले लो कितना आएगा 0.01। अगर आप इस इक्वेशन से कैलकुलेट करेंगे तो देखो यहां पर प्रोडक्ट में दो चीजें हैं, कॉपर ये तो सॉलिड स्टेट में है, इसकी कंसंट्रेशन हम लेंगे नहीं, ये जिंक 2+ आयनिक फॉर्म में है, देखो जिंक की कंसंट्रेशन कितनी है 0.1, यहां पर जिंक रिएक्टेंट में सॉलिड स्टेट में है तो इसकी कंसंट्रेशन हम लेंगे नहीं, लेकिन कॉपर 2+ आयन इसकी कंसंट्रेशन लेंगे और कॉपर 2+ कितना है 0.01, तो हम लॉग क्यूसी जो हम लेते हैं क्यूसी वो किसके इक्वल होता है, प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन, प्रोडक्ट कितना है 0.1, रिएक्टेंट कितना है 0.01, देखो यही आ गया सेम आ रहा है ना। तो आप प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट से भी कैलकुलेट कर सकते हैं या फिर ऑक्सीडेशन हाफ सेल अपॉन रिडक्शन हाफ सेल से भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो देखो यहां से इसका आंसर कितना आएगा, इसको आप सोल्व करोगे 0.01 तो कितना आएगा 10, तो मैं इसको लिख सकता हूं लॉग 10 और लॉग 10 की वैल्यू कितनी होती है 1, तो ये जो कंप्लीट टर्म है आपके पास ये किसके इक्वल हो गई 1 के इक्वल, तो देखो आंसर कितना आएगा 1.10 माइनस 0.0591 अपॉन 2, ये तो 1 हो गया, इसको आप कैंसिल करो तो कितना आएगा 1.10 दिस वन माइनस 0.030 और आप इसको यहां से सोल्व करो सिंपल, ये जो आपके पास आएगी वो ई सेल की वैल्यू आएगी। तो आप कंसंट्रेशन चेंज होने पे उसकी ई सेल पे स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल या स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल से जो वैल्यू चेंज आएगी वो हम कैलकुलेट कर सकते हैं इजीली। जैसे देखो अगर आपको इसी क्वेश्चन के अंदर कंसंट्रेशन के साथ साथ प्रेशर का भी कॉन्सेप्ट दिया हुआ हो, किसी क्वेश्चन में आपको कंसंट्रेशन के साथ साथ प्रेशर भी मिलेगा तो आप कैसे करोगे। जैसे मैंने एक सेल लिया जो अभी कराया दैट इज Zn2+ कन्वर्ट हो गया जिंक में लाइक दिस साल्ट ब्रिज, कॉपर 2+ कन्वर्ट हो गया किसमें, कॉपर में, इसकी कंसंट्रेशन दी हुई है 0.1, यहां पर 0.01 दिस इज द कंसंट्रेशन, लेकिन प्रेशर भी दिया हुआ है दिस इज द पी फॉर द जिंक एंड दिस इज पी फॉर द कॉपर, प्रेशर भी दिया हुआ है
तो आप कैसे कैलकुलेट करोगे प्रेशर के साथ में। ये क्वेश्चन बेसिकली आईआईटी जेई में पूछे जाते हैं प्रेशर से रिलेटेड, ठीक है। तो कैसे करोगे, ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट ऑफ सेल माइनस 0.0591 अपॉन एन, एन की वैल्यू जो चेंज आएगा वो लोगे दैट इज टू लॉग प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट या फिर ऑक्सीडेशन हाफ सेल अपॉन रिडक्शन हाफ सेल। तो ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है जेड एन टू प्लस, ठीक है, अपॉन रिडक्शन किसका हो रहा है बताओ, रिडक्शन कॉपर टू प्लस आयन, कॉपर टू प्लस आयन। अब आ गया प्रेशर की बात, ये तो कंसेंट्रेशन टर्म में हो गया, लेकिन जब भी आपको प्रेशर दिया हुआ हो तो प्रेशर को आप इनवर्स में लिखोगे। कैसे, प्रेशर पी जिंक का दिया हुआ है तो जिंक की कंसेंट्रेशन ऊपर रखोगे, प्रेशर ऑफ जिंक नीचे रखोगे, कंसेंट्रेशन ऑफ कॉपर नीचे आ गया तो प्रेशर ऑफ कॉपर ऊपर आएगा, अपोजिट रखना है, सिंपल है, बात समझ में आ रही है। एक तो ये कॉन्सेप्ट याद रखना प्रेशर का। दूसरी, कभी कभी आईआईटी के क्वेश्चन में आया हुआ है कि आपको कंसंट्रेशन ना पूछ करके सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट पूछ लेगा, तो ये याद रखो कि जो एक क्यूसी होता है, क्यूसी इज इक्वल टू वन अपॉन केएसपी, केएसपी इज द सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट कॉन्स्टेंट, ठीक है। तो आपके पास इक्वेशन क्या बनेगी, के सेल इज इक्वल टू ई नॉट ऑफ सेल माइनस 0.0591 अपॉन एन लॉग, क्यूसी लेते हो, क्यूसी किसके इक्वल है वन अपॉन के एसपी, सो वन अपॉन के एसपी, और ये के एसपी क्या है सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट। तो आपके पास वेरियस इक्वेशंस बन गई, वो मैं सारी की सारी इक्वेशन आपके पास लिख देता हूं और आपको क्वेश्चन में अप्लाई करके इजिली न्यूमेरिकल उसके ऊपर कैलकुलेट कर सकते हो नेक्स्ट इक्वेशन पे। नेक्स्ट लेक्चर में मैं भी आपको न्यूमेरिकल ही करवाऊंगा इसी से रिलेटेड, बस आप इन इक्वेशन को याद रखो, क्या ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट ऑफ सेल माइनस 0.0591 अपॉन एन लॉग क्यूसी, और क्यूसी क्या होता है कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, एक तो ये याद रखना है। और आप लॉग पी अपॉन आर की जगह क्या लिख सकते हो, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट, कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीडेशन हाफ सेल अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ रिडक्शन हाफ सेल, ये भी नहीं आता तो आप लिखो कंसंट्रेशन ऑफ लेफ्ट हैंड साइड अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ राइट हैंड साइड, सिंपल। अगर आपको प्रेशर की टर्म में दे दिया हो, प्रेशर की टर्म में, तो देखो कैसे करोगे, ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट ऑफ सेल माइनस 0.0591 अपॉन एन, दिस इज लॉग कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, या फिर मैं बोलू ऑक्सीडेशन अपॉन रिडक्शन, कोई भी लिख सकते हो, ऑक्सीडेशन अपॉन रिडक्शन लिखना है वो लिख सकते हो, परंतु जब प्रेशर आएगा तो प्रेशर को अपोजिट करना है, ठीक है ना। कैसे, अगर यहां पर ऑक्सीडेशन और रिडक्शन की टर्म में हो, दैट इज ऑक्सीडेशन हाफ सेल अपॉन रिडक्शन हाफ सेल, ऑक्सीडेशन कहां होता है एनोड पे, तो कंसंट्रेशन ऑफ एनोड अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ कैथोड इनटू में प्रेशर किसका ऑक्सीडेशन, यहां पर प्रेशर किसका रिडक्शन, सिंपल है, बिल्कुल सिंपल है, ठीक है। एक न्यूमेरिकल कराता हूं, बाकी न्यूमेरिकल अपन बाद में करेंगे, बस इन्हीं पे याद रखना है। जैसे देखो आपके पास कंसंट्रेशन पूछी है HCl सॉल्यूशन की, पीएच पूछ रहा है वो, पीएच व्हाट इज द पीएच ऑफ HCl, HCl की पीएच पूछ रहा है, और आपको जो HCl के अंदर जो हाइड्रोजन जो इलेक्ट्रोड है उसका ई सेल दिया हुआ है कितना माइनस 0.188 इतना दिया हुआ है, सपोज करो दिस इज द वोल्ट, और आपको पीएच पूछा है, तो पीएच आपको पता है पीएच इज इक्वल टू माइनस लॉग ऑफ एच प्लस आयन कंसंट्रेशन होती है कि नहीं, तो आप उस सारे के सारी वैल्यू को इस इक्वेशन में रखो। तो देखो हाइड्रोजन HCl में किस कंडीशन में होगा, एच प्लस में, क्वेश्चन क्या कह रहा है आपके पास पीएच पूछ रहा है, क्या दिया हुआ है ई सेल हाइड्रोजन का माइनस 0.188 वोल्ट, एच एक इलेक्ट्रॉन लेगा किसमें कन्वर्ट होगा हाइड्रोजन में, क्या हो रही है रिडक्शन, रिडक्शन हो रही है, तो इसके लिए ई सेल की वैल्यू क्या आएगी इज इक्वल टू ई नॉट ऑफ सेल माइनस 0.0591, एन की वैल्यू एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहा है इसमें तो आप क्या लोगे वन, एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहा है, लॉग वन अपॉन किसकी कंसंट्रेशन हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन, क्यों प्रोडक्ट ये है एच, एच तो वन आएगा
अपॉन एच प्लस आयन, ये एक्वा स्टेट में है, तो दिस इज द एच प्लस कंसेंट्रेशन लाइक दिस। बात समझ में आ रही है? तो आप कैसे सोल्व करोगे, देखो स्टैंडर्ड इनोट ऑफ सेल हाइड्रोजन का मैंने कराया था कितना होता है जीरो, दिस इज जीरो, ये वैल्यू दी हुई है ई सेल की माइनस 0.188 माइनस 0.0591 अपॉन 1 को छोड़ो, इसको सोल्व करो, लॉग ए अपॉन बी क्या होता है लॉग 1 माइनस लॉग एच प्लस आयन कंसेंट्रेशन हो गया कि नहीं, ये देखो कि ना आया माइनस 0.188 इज इक्वल टू, ये जीरो हटा दो, 0.0591 लॉग 1 कितना होता है जीरो माइनस कितना आएगा किसकी कंसेंट्रेशन हाइड्रोजन आयन की कंसेंट्रेशन, सो लॉग एच प्लस कंसेंट्रेशन। ठीक है, बस समझ में आ रही है? इस पूरी की पूरी टर्म को आप सोल्व आउट कर लो, यहां से आपके पास ये क्या है माइनस एच प्लस आयन, और पीएच क्या होती है पीएच इज इक्वल टू माइनस लॉग ऑफ एच प्लस आयन कंसेंट्रेशन, तो ये पूरी की पूरी टर्म क्या है पीएच, सो आंसर क्या आएगा माइनस 0.0591 दैट इज पीएच, और माइनस 0.188 यहां से माइनस है माइनस कैंसिल, इसको नीचे लेके आओ, सो आंसर कितना आएगा 0.059, इसको सोल्व करो आपके पास पीएच आ जाएगा। ठीक है, तो ये जितने भी आपको न्यूमेरिकल या कॉन्सेप्ट मैंने कराए हैं अबाउट द नेक्स्ट इक्वेशन, आपको फॉर्मूले याद रखने हैं। ठीक है, हालांकि इसकी डेरिवेशन कैसी है वो मैं आपको नोट्स में दूंगा, आप उसको क्लियरली ठीक से स्टडी करना। हाँ, कभी कभी कंसंट्रेशन में क्वेश्चन में आपको परसेंटेज ऑफ डिसोसिएशन दे देता है, जैसे हाइड्रोजन आयन यहां पर दे दिया, परसेंटेज ऑफ आयनाइजेशन दे देगा, तो आपको जो कंसंट्रेशन जैसे 0.1 दी हुई है ना, और वो बोला कि मान लो वो 50% डिसोसिएट है, तो आप कंसंट्रेशन 0.1 मत लेना, उसको 50% लेना, 0.1 की 50% कितनी आएगी 0.05, ये आप कंसंट्रेशन लोगे, तो 50% अगर आपको डिसोसिएटेड बोला है तो उस कंसंट्रेशन को 50% डिसोसिएट बनाओ, उसका 50% लो, फिर उसकी वैल्यू इनमें पुट आउट करो। ठीक है, नेक्स्ट टाइम हम इस पे न्यूमेरिकल भी करेंगे।